नमस्कार, मैं नीरज बाली। मोदी सरकार नए सीबीआई डायरेक्टर की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री आखिरी फैसला लेंगे। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें कांग्रेस को भी मानना है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी मोहर लगनी जरूरी है। सीबीआई का नया डायरेक्टर प्रधानमंत्री, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर मिलकर चुनेंगे। चुनना एक अफसर को है, पैरवी कई मंत्रियों की है। वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर अनिल कुमार सिन्हा को रिटायर होने में बस 4 दिन बचे हैं और फैसला बहुत बड़ा है। अभी तक सरकार ने 6 सीनियर आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट तैयार की है। ये 1979 से लेकर 1981 बैच के अफसर हैं। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कृष्णा चौधरी की सिफारिश मोदी कैबिनेट के एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं। कृष्णा चौधरी भी अनिल कुमार सिन्हा की ही तरह बिहार कैडर के 1979 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आईटीबीपी में जाने से पहले वे सीबीआई में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। उनके पक्ष में सीबीआई में काम करने का अनुभव है। गृह मंत्रालय में भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है इस बार भी उनका सीबीआई चीफ बनना आसान नहीं है। पिछली बार भी कृष्णा चौधरी का नाम पैनल में था, उस वक्त वे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुखिया थे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जिसे सिलेक्ट नहीं किया था, क्या गारंटी है कि वे उसी अफसर को इस बार भी चुनेंगे? कृष्णा चौधरी अगले साल रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में उनके पास 1 साल से भी कम का वक्त होगा, जबकि प्रधानमंत्री नए सीबीआई चीफ को कम से कम 2 साल का वक्त देना चाहते हैं। अगर वे बनते हैं तो बिहार से लगातार बनने वाले तीसरे सीबीआई निदेशक साबित हो सकते हैं। दूसरा नाम है सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रूपक कुमार दत्ता का। ये कर्नाटक कैडर के 1981 बैच के आईपीएस अफसर हैं। स्पेशल डायरेक्टर की कुर्सी सीबीआई में नंबर 2 पोजीशन पर मानी जाती है। अनिल सिन्हा भी सीबीआई डायरेक्टर बनने से पहले स्पेशल डायरेक्टर ही थे, लेकिन सुनी सुनाई है कि रूपक दत्ता कांग्रेस के एक बड़े नेता के करीबी है, इसलिए सरकार उन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाने से हिचक रही है, जबकि कांग्रेस की पहली पसंद दत्ता ही है। सीबीआई की पुरानी एडिशनल डायरेक्टर और सशस्त्र सीमा बल की डीजी अर्चना रामसुंदरम का नाम तीसरे नंबर पर है। वे तमिलनाडु कैडर से 1980 बैच की आईपीएस अफसर हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें भी पिछली सरकार के करीबी अफसर के तौर पर देखती है, इसलिए उनके लिए भी सीबीआई की टॉप कुर्सी मुश्किल दिखती है। महाराष्ट्र के डीजीपी सतीश माथुर महाराष्ट्र कैडर के हैं, 1981 बैच के अफसर हैं। उनका नाम मोदी सरकार में महाराष्ट्र से आए ताकतवर मंत्री ने सुझाया है। माथुर की देखरेख में 1993 में जो मुंबई धमाके हुए थे, उनकी जांच इन्होंने की थी, इसलिए उनके पास सीबीआई का तजुर्बा भी है। आरएसएस की पहली पसंद माथुर बताए जाते हैं, लेकिन सुनी सुनाई है कि प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के चीफ को आरएसएस के कहने भर से नहीं चुनना चाहते। उन्होंने आरएसएस की सुनी जरूर है, लेकिन अपने मन की बात मन में ही रखी है। अब 2 ऐसे डार्क हॉक्स हैं जिनके नाम का सबसे कम जिक्र हो रहा है, लेकिन इनके सीबीआई चीफ बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा चौंकिए मत, 1979 बैच के यूनियन टेरिटरी कैडर के अफसर हैं। उन्होंने सीबीआई में कभी काम नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के चीफ के तौर पर इनके काम से सरकार बेहद खुश है। इन्होंने बहुत लो प्रोफाइल रखते हुए हाई प्रोफाइल काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इनका नाम रोक सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक दिन में 2 बार हिरासत में लिया, उससे दिल्ली पुलिस के चीफ की कांग्रेस पार्टी में रिपोर्ट जो है वो खराब हो गई है। ऐसा ही तब हुआ था जब पिछली बीएस बस्सी विजिलेंस कमिश्नर बनते बनते रह गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी फाइल रोक दी थी। सुनी सुनाई यह भी है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा बीजेपी चीफ अमित शाह की पहली पसंद है। सीबीआई डायरेक्टर बनने से पहले विजिलेंस से क्लीन चिट जरूरी है। अगर कांग्रेस ने वर्मा का विरोध नहीं किया और विजिलेंस की रिपोर्ट उनके साथ हो, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कुछ ही दिनों में सीबीआई के नए चीफ बन सकते हैं। एक और नाम चर्चा में है, महाराष्ट्र के 1981 बैच के आईपीएस मीरा चंद्र बोरवनकर। बोरवनकर अभी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीजी हैं। इन्होंने सीबीआई की एंटी करप्शन विंग में डीआईजी के पद पर काम किया है। इनकी पैरवी एक मुख्यमंत्री और एक सीनियर मंत्री कर रहे हैं। 6 नाम काफी पहले चुने जा चुके हैं। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद सिर्फ 3 नाम सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार के रिश्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए सरकार उस नाम को चुनेगी जिस पर सहमति बन जाए और वह पराया भी ना हो। टेढ़ा काम टेढ़ा है जिसे सीधे तरीके से करना है, लेकिन आपको याद है
जब भी मैं सीबीआई चीफ की बात सुनता हूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद आती है, पिंजरे में बंद सरकारी तोता। सो चीफ कोई भी बने पर सरकारी तोता कोई ना बने।